वही संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई दूज पर चित्रगुप्त महाराज की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही बड़ा और खुशहाली का माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक चलता है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज आदि मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे आखिरी दिन भाई दूज का महान पर्व मनाया जाता है। बता दें कि तिथि से यमराज और द्वितीया तिथि का संबंध होने के कारण इसको यम द्वितीया भी कहकर पुकारा जाता है। आइए बात करते हैं कि भाई दूज के दिन क्या होता है। दोस्तों, इस शुभ दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और साथ ही उनकी लंबी आयु की कामना भी करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि भाई दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा अर्चना की जाती है। आगे हम आपको बताएंगे भाई दूज की पूजा विधि के बारे में। भाई दूज के दिन भाई और बहन दोनों को मिलकर सुबह के समय यम चित्रगुप्त यम के दूतों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूर्य देव के साथ इन सभी को अर्घ देना चाहिए। प्रार्थना के बाद बहन अपने भाई का टीका करे, अक्षत लगाए और भाई को भोजन कराए। भोजन के पश्चात भाई यथाशक्ति बहन को उपहार या फिर दक्षिणा दे। आगे हम बताएंगे आपको चित्रगुप्त भगवान कौन है और क्या है उनकी महिमा। दरअसल चित्रगुप्त भगवान का जन्म ब्रह्मा जी के चित से हुआ था। इनका काम है हम प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब करना और मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन ही होती है। कहते हैं कि इनकी पूजा से लेखनी, वाणी और विद्या का वरदान भी प्राप्त होता है। आगे बताएंगे चित्रगुप्त भगवान की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, प्रातःकाल यानी कि सुबह सुबह पूर्व दिशा में चौक बनाएं। अब इस पर चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की स्थापना करें। अब आप उनके सक्षम घी का दीपक जलाएं और पुष्प और मिठान भी अर्पित करें। आप उन्हें एक कलम भी अर्पित जरूर से करें। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें और फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः यह 11 बार याद से लिखें। इसी के साथ आप भगवान चित्रगुप्त की विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान याद से मांगें। वहीं जो कलश आपने भगवान चित्रगुप्त को चढ़ाया था उसे सुरक्षित रखें और पूरे वर्ष उसका उपयोग भी करें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि क्यों चित्रगुप्त भगवान की पूजा होती है भाई दूज के दिन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे एक दिलचस्प और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।